उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल का आज विस्तार होना था, लेकिन किसी वजह से अब ये बैठक एन वक्त पर स्थगित कर दी गई है। धामी कैबिनेट में होने वाली इस बैठक में कई बड़े प्रस्तावों पर मोहर लगने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन बैठक के टलने के कारण इन प्रस्ताव को अब अगली बैठक तक इंतजार करना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, जिसके चलते इस मंत्रिमंडल की बैठक को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी दिल्ली दौरे के दौरान तमाम केंद्र मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं। बड़े और अहम प्रस्तावों के साथ ही इस बार मंत्रिमंडल में 3 से लेकर 4 नए मंत्री बनाए जाने थे। कहा यह भी जा रहा था कि हाईकमान के निर्देश पर फेर बदल जैसा कदम भी उठाया जा सकता है। चर्चा तो यहां तक भी थी कि सबको लेकर गहन मंथन चल रहा है। आपको बता दूं कि वर्तमान में मुख्यमंत्री धामी की टीम के सदस्यों की संख्या उन्हें मिलाकर 8 है, जबकि संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक ये अधिकतम 12 सदस्य मंत्रिमंडल में होने चाहिए। साल 2022 में जब लगातार दूसरी बार भाजपा सत्ता में आई, तब धामी मंत्रिमंडल में कुल 9 सदस्य शामिल किए गए और 3 स्थान खाली छोड़े गए। पिछले साल कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद एक जगह और खाली हो गई। मंत्रिमंडल का आकार छोटा होने के कारण कई बार विस्तार की चर्चा होती आई है, लेकिन अलग अलग कारणों से ये हमेशा टलती रही है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। और ये ऐसे समय पर हुआ है जब भविष्य में राज्य में केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव काफी नजदीक हैं। नगर निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव भी होने हैं। राजनीति के गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, तब इसका एक बार फिर टल जाना कहां तक जायज है। चलिए अब हम आपको बताएंगे उन प्रस्तावों के बारे में जो प्रस्ताव मंत्रिमंडल विस्तार की इस बैठक में मंजूरी का इंतजार कर रहे थे। सबसे ज्यादा अहम प्रस्ताव की घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 26 जुलाई को शौर्य दिवस के अवसर पर की थी। उन्होंने कहा था कि शहीदों के आश्रितों को दी जाने वाली धनराशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया जाएगा। अन्य प्रस्तावों में उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर ही राज्य सरकार ने राजकीय कर्मचारियों या पेंशन भोगियों की अविवाहित विधवा और तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय लिया था, जिस पर वित्त विभाग की मंजूरी मिलने के बाद अब इस प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल की इस बैठक में रखा जाना था, जहां से सहमति की उम्मीद जताई जा रही थी। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों के मानदेय को बढ़ाने संबंधित प्रस्ताव भी शामिल था। स्वास्थ्य सेवाओं की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए स्टेट एलाइड और हेल्थ केयर काउंसलिंग का गठन होना था। साथ ही साथ प्रदेश की सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की शुगर मिल्स में 123 मृतक क्रमिकों के आश्रितों को नौकरी दिए जाने संबंधित प्रस्ताव पर मोहर लगने की उम्मीद जताई गई थी। दरअसल पिछली कैबिनेट बैठक के दौरान सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की शुगर मिल के 68 मृतक आश्रितों को नौकरी दिए जाने संबंधित प्रस्ताव पर मोहर लग चुकी थी। इसके साथ ही आयुर्वेद पाठ्यक्रमों में आयु सीमा में छूट दिए जाने का प्रस्ताव था। उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेज में पीजी की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर 2 साल तक दूसरे राज्यों में नौकरी नहीं कर सकेंगे, इससे संबंधित प्रस्ताव भी लाया जाना था। इसके अलावा देहरादून में फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स की तैनाती संबंधी प्रस्ताव पर मोहर लग सकती थी। रजिस्ट्री में फ्रॉड केस होने पर अक्सर गठित एसआईटी को संबंधित दस्तावेज की प्रमाणिकता को जांचने के लिए चंडीगढ़ भेजना पड़ता है, लेकिन देहरादून में फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स की तैनाती के बाद चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही शिक्षा, खेल, आयुर्वेद, स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों से संबंधित प्रस्ताव पर भी मोहर लगने की संभावना थी, लेकिन आखिरी वक्त में धामी कैबिनेट के यू स्थगित होने के कारण इन प्रस्तावों को अगली बैठक तक टाल दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट नबील गौड़ के साथ मैं मीनाक्षी।